बचपन में हमारी नॉलेज बड़ी लिमिटेड होती है। क्राइम के नाम पर हमें चोरी चकारी लूटपाट इतना ही पता होता है। पॉलिटिक्स अच्छी होती है पर बुरी भी होती है, इतनी नॉलेज नहीं होती हमें। और आतंकवाद जैसा भयंकर शब्द से ज़्यादा हम ज़्यादा परिचित नहीं होते। तो हम फिर धीरे धीरे हमें समझ आने लगती है, हम होश संभालने लगते हैं और हमें चीज़ें खटकने लगती हैं। तो उस जिंदगी के उस फेज से ये मेरी कविता शुरू होती है। सोचने लगा हूँ मैं, किसी खोज में चला हूँ मैं, अब स्थिर मेरे विचार हैं, खुद को टोकने लगा हूँ मैं। सोचने लगा हूँ मैं, किसी खोज में चला हूँ मैं, अब स्थिर मेरे विचार हैं, खुद को टोकने लगा हूँ मैं। पूछने लगा हूँ खुद से सवाल खुद के बारे में, पूछने लगा हूँ खुद से सवाल खुद के बारे में, चेहरे सबके पढ़ता हूँ नकाब जानू सारे में। कौन कितना कैसा है, क्या सबसे बड़ा ये पैसा है? कौन कितना कैसा है, क्या सबसे बड़ा ये पैसा है? विद्या का जो स्रोत था, क्या वो अब भी मंदिर जैसा है? विद्या का जो स्रोत था, क्या वो अब भी मंदिर जैसा है? कहते उसे देवी हैं, बताते उसे नारी हैं। कहते उसे देवी हैं, बताते उसे नारी है, फिर क्यों बलात्कारियों की संख्या इतनी भारी है? अधिकारी है, अधिकार मांग रहा है, कोई आरक्षण से तंग है, कोई काम मांग रहा है, कोई धर्म जात के नाम पर झूठा दान मांग रहा है, कोई हो रहा शहीद अपने देश के लिए और कोई आखिरी सांस तक सिर्फ जाम मांग रहा है। तो सोचने लगा हूँ मैं, कोई दिल में तिरंगा लेकर आतंकियों की जान मांग रहा है और कोई इंसानियत करने के भी दाम मांग रहा है। तो सोचने लगा हूँ मैं, किसी खोज में चला हूँ मैं। फिर एक ऐसा फेज आता है जिसमें वो कवि कन्फ्यूज हो जाता है, उसको समाज की बुराइयाँ दिखती हैं पर वो सोचता है कि मैं अकेला थोड़ी समाज में बदलाव लाऊंगा या अकेला मैं थोड़ी क्रांति ला सकता हूँ। तो यहाँ से कभी कहता है कि मैं सोच में था पड़ गया, मैं खुद ही खुद से लड़ गया, मैं सोच में था पड़ गया, मैं खुद ही खुद से लड़ गया, मैं अड़ गया ये बात पर कि क्या मैं कर दिखाऊंगा, पन्नों पर कलम चलाकर थोड़ी क्रांति लाऊंगा, पन्नों पर कलम चलाकर थोड़ी क्रांति लाऊंगा। मैं सोच में था पड़ गया, विचार मेरे खत्म थे, मैं सोच में था पड़ गया, विचार मेरे खत्म थे, समाज के विचार खुद समाज पर ही जख्म थे, बदलने समाज को अकेला थोड़ी जाऊंगा, पन्नों पर कलम चलाकर मैं थोड़ी क्रांति लाऊंगा। फिर एक लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब आपको रियलाइज होता है कि आपकी क्रिएटिविटी ही सबसे बड़ी ताकत है जो आपके पास है। इस क्रिएटिविटी से आप कितना भी बड़ा बदलाव ला सकते हो, चाहे आप सिंगर हो, राइटर हो या स्टैंड अप कमेडियन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपनी कला के जरिए बदलाव ला सकते हैं। तो वो कहता है कि कलाओं को समेट कर सुधार खुद में कर लिया, कलाओं को समेट कर सुधार खुद में कर लिया, समाज की ये बंदिशों को बेड़ियां समझ लिया, बदलना चाहता सोच को सियासतों की मोच को, बदलना चाहता सोच को सियासतों की मोच को, कपड़े से परखने वाली हर वो खोटी सोच को, खोटी सोच की ये मोच पर मरहम मैं लगाऊंगा, पन्नों पर कलम चलाकर अब मैं क्रांति लाऊंगा। है जो खोटी सोच की ये बेड़ियां हटाऊंगा, पन्नों पर कलम चलाकर अब मैं क्रांति लाऊंगा। कला से थोड़ा काम लो, जो करना है वो ठान लो, कला से थोड़ा काम लो, जो करना है वो ठान लो, अकेले तुम ही काफी हो, बस कला को बस पहचान लो। चित्रकार हो तो चित्रकारी से जवाब दो, हो गीतकार मुश्किलों को अंतरे में डाल दो, लेखक हो तो लिख दो कहानियां सब शहीदों की, हर छोटी बड़ी बात का कला से तुम बयान दो, सारी मन की बातें मैं लेख में बताऊंगा, पन्नों पर कलम चलाकर अब मैं क्रांति लाऊंगा। धन्यवाद।